आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह पढ़ेंगे। इस पिछले में भी हमने देखा था आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हमने डाक द्वारा देखा था, फोन द्वारा देखा था, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों का संग्रह देखा था। अब आगे देखेंगे कि और किस तरह से हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। हम देखेंगे कि भारतीय जनगणना जो होती है हर 10 साल में एक बार होती है। सबसे पहले जो हुआ यहाँ पर हम देखेंगे कि जनसंख्या जो समग्र है, भारतीय जनगणना जनसंख्या समग्र जनगणना द्वारा हम संकलित किया जाता है। और जनगणना का अर्थ होता है एक निश्चित प्रदेश या वहाँ पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में निश्चित जानकारी एकत्रित करना कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी जनसंख्या कम हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मतलब जन्म मृत्यु और जनसंख्या वृद्धि, वो सारी चीज़ें हम उससे पता कर सकते हैं। इसमें एक निश्चित प्रदेश, एक निश्चित समय और व्यक्तियों के संबंध में जनांगिकीय, आर्थिक और सामाजिक तथ्यों का भी हम संकलन, संपादन, प्रकाशन करने में संपूर्ण प्रक्रिया को हम जनगणना कहते हैं। अब जनगणना की प्रमुख विशेषता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता इसका अर्थ है कि जनगणना के देश के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बिना अपवाद के जानकारी एकत्रित करना, मतलब सभी व्यक्तियों की जानकारी पूर्ण रूप से एकत्रित करना। फिर एक साथ आगणन। अब एक साथ आगणन का मतलब क्या है? इसमें जनगणना से संबंधित जो सभी सूचनाएं जो हैं वह निश्चित समय, निश्चित बिंदु संदर्भ में जो संकलित की जाती है, और समांकों के हम तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक ही समय में, जैसे कि 10 वर्ष में सिर्फ एक बार हम जनगणना होती है, उसमें पूरे प्रदेश में, मतलब पूरे देश में ही जनगणना होती है और फिर उसको हम आंकड़े निकालते हैं। फिर एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र। जनगणना जो है किसी निश्चित भू क्षेत्र में की जाती है, और यह भू प्रदेश जो है भौगोलिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र होना चाहिए। फिर नियमितता। जनगणना एक निश्चित अवधि पर नियमित रूप से की जानी चाहिए, इसे कहा गया नियमितता। जैसे कि 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है, मतलब जनगणना का अंतराल कितना है? 10 वर्ष का है। फिर देखेंगे संगणना की रीति, मतलब हम और किस तरह से हम उसको एकत्रित करते हैं। तो अनुसंधान क्षेत्र में संपूर्ण इकाइयां सामूहिक रूप से समग्र कहलाती हैं, और उसके बाद समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसे निष्कर्ष भी निकाला जाता है। जनगणना में जो है उत्पादन गणना की इस रीति से भी की जाती है, जैसे संगणना की उपयुक्तता। इसमें जब समग्र क्षेत्र या आकार भी सीमित होता है, जनसांख्यिकी की इकाई जो है विविध गुण पाए जाते हैं, जैसे कि सभी व्यक्तियों में, सभी क्षेत्र में गुण जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। फिर अधिक मात्रा में परिशुद्धता की आवश्यकता। जो हम मतलब जो संख्या एकत्रित करते हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। फिर जो विस्तृत सूचनाएं जो हम एकत्रित करते हैं या अध्ययन करना हो, जो हम सूचना एकत्रित करते हैं उसका हम अध्ययन भी करते हैं, तुलनात्मक ढंग से भी अध्ययन करते हैं, कई तरह से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर है संगणना रीति के गुण। वैज्ञानिक, यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक होती है क्योंकि समग्र की प्रत्येक इकाई का जो अध्ययन किया जाता है। फिर विश्वसनीयता एवं शुद्धता, मतलब जो आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं वह विश्वसनीय और शुद्ध होने चाहिए, मतलब किसी तरह से भेदभाव तरीके से उसे एकत्रित नहीं किया जा सकता। फिर पक्षपात रहित, जिस तरह से कहा गया कि एक हम जो आंकड़े एकत्रित करते हैं वह पक्षपात रहित होना चाहिए, सबके साथ समान रूप से वो आंकड़े जो एकत्रित कर रहे हैं सबसे समान क्वेश्चन करना, समान प्रश्न करके हम उस आंकड़े को एकत्रित कर सकते हैं, या पता चला किसी की कुछ जानकारियां हैं वो हम अधूरी नहीं भर सकते। फिर कुछ परिस्थितियाँ में आवश्यक, कुछ परिस्थितियाँ जो हैं जिसमें आवश्यक होती हैं, जैसे कि ऐसी जानकारी एकत्रित करना जैसे व्यक्तिगत सूचनाएं आवश्यक है। इसमें हम विद्यार्थियों को ले सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों के बारे में हम जानकारी चाहिए है तो हम उनकी सारी जानकारी लेंगे, कक्षा में जो है छात्र हैं, छात्राएं हैं, फिर वो इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं, क्लासेस अलग अलग करके हम वो आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। फिर उसके बाद यह जानकारी जो है जैसे पिता का नाम, उसकी आय कितनी है, फिर व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय का चुनना, ये सारी चीज़ें जो हैं वह उससे हमें पता चल जाती हैं। फिर है विविधता। विविधता मतलब इकाइयों की जो विविधता हो और रीति ही लाभदायक
रहती है, मतलब जो जानकारी हम भरते हैं पूरा आंकड़ा जो भरते हैं वह विविधता पाई जाती है। फिर अप्रत्यक्ष अध्ययन भी करते हैं। फिर संगणना रीति की जो सीमाएं एवं दोष हैं वह क्या है, जैसे अत्यधिक व्यय, सबसे पहले तो हम दोष देख रहे हैं इसमें अत्यधिक व्यय, प्रत्येक इकाई के संपर्क में स्थापित करने के कारण जो है व्यय अधिक होता है। फिर है कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां जो है अनुपयुक्त होती हैं, और लंबा समय या कठिन परिश्रम, इसमें समय बहुत अधिक लगता है और परिश्रम भी बहुत ही अधिक होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां जो समग्र के नाशवान होने की प्रणाली जो है उसमें अनुपयुक्त भी पाई जाती हैं और लंबा समय और कठिन परिश्रम भी होता है। फिर है प्रतिचयन या निदर्शन रीति, इसमें सैंपलिंग मेथड दिया हुआ है, मतलब जो प्रदर्शन, मतलब इसमें हम एक तो लॉटरी द्वारा या फिर दूसरे तरीके से चयन करके या किसी व्यक्ति द्वारा चयन करके हम उन व्यक्तियों को चुन सकते हैं, ज़्यादा व्यक्तियों से कम उसमें। प्रतिचयन के अंतर्गत जो समग्र में से किसी आधार कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन ली जाती है, इसके अंतर्गत जो है छोटी इकाइयाँ उसको सैंपल कहते हैं, मतलब छोटी इकाइयाँ लेते हैं सैंपल के रूप में, हम कुछ चीज़ों की जाँच करते हैं सैंपल के रूप में लेते हैं, उसको प्रतिदर्श इकाइयाँ कहते हैं। इसमें वास्तव में जो समग्र कुछ इकाइयाँ जो होती हैं उसको छांटने की प्रक्रिया जो होती है उसे प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिचयन से हम किसी भी समग्र में से किसी पद्धति द्वारा कुछ इकाइयाँ चुन लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक कॉलेज में 2000 विद्यार्थी हैं तो 200 विद्यार्थी को छांट लिए जाएंगे और स्वास्थ्य का अध्ययन करके उसके निष्कर्षों तक समस्त 2000 विद्यार्थियों पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि औसत अनुसंधान की तरह हम उसको कर सकते हैं। फिर है सविचार या प्रतिचयन। इस रीति के अंतर्गत जो चुनाव अनुसंधान करता है कि इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस न्याय दायित्व से लिया गया, किन को छोड़ा जाए और किन को वह स्वेच्छा से उन पर अनुसंधान की आवश्यकता होती है। फिर देव प्रतिचयन, इसके अंतर्गत जो है इस प्रकार की इकाइयाँ छोटी की जाती हैं और ये इकाई के प्रति सम्मिलित होने की संभावना भी होती है, और कौन सी इकाई ली जाए कौन सी नहीं यह करना भी अनुसंधानकर्ता पर निर्भर की प्रक्रिया पूर्ण रूप से वह उन पर ही छोड़ देते हैं। जैसे कि एक देव प्रतिशत एक प्रतिदर्श है जिसका चयन यह हुआ है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने के समान अवसर हो। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे लॉटरी रीति। लॉटरी रीति में क्या होता है, एक बॉक्स में हम कुछ चिट डाल देते हैं और दूसरे व्यक्ति से उठाकर उससे जिस व्यक्ति को चुनना है, जैसे 100 व्यक्ति से हमें 10 लेना है तो वह 10 पर्चियाँ निकाल लेगा। उसी तरह से ढोल घुमाकर, यह जो है ढोल घुमाकर जो होता है यह भी एक लॉटरी सिस्टम के समान ही होता है, उसमें भी पर्चियाँ डाल दी जाती है, उसको गोल घुमा दिया जाता है। यह तो लोहे का हो सकता है या लकड़ी का भी ढोल हो सकता है जिसमें घुमाकर इसमें भी पर्चियाँ निकाली जाती हैं। फिर संख्यात्मक क्रम द्वारा, इसमें जो है व्यक्तियों की संख्या लिख दी जाती है और संख्या निकाल कर उनको लिखी जाती है और फिर वह उसको चयन कर लिया जाता है। इसमें टिप्पण देव संख्याओं द्वारा, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा के जो अंक लिखे हुए रहते हैं उनको भी लॉटरी सिस्टम की तरह ही एक एक अंक निकाला जाता है, उनको इकाई दहाई में लिख कर उसको फिर अंक को निर्धारित किया जाता है और उस तरह से व्यक्तियों को चुना जाता है। फिर स्तरित प्रतिचयन, इसके अंतर्गत जो है यह रीति जो है विविध गुणों वाले समग्र प्रतिदर्श छांटने के लिए उपयुक्त है, कि सबसे पहले विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विचार करके अनेक सजातीय खंडों के स्तर पर विभाजित किया जाता है। फिर है व्यवस्थित प्रतिचयन। अब व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है, यह रीति जो है संख्यात्मक भौगोलिक वर्णात्मक विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, उसके पश्चात फिर यह इससे इकाई के चुनाव जो है देव प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। फिर अभ्यंश प्रतिचयन, अभ्यंश प्रतिचयन क्या है, यह रीति के अंतर्गत भी उसी प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जिस प्रकार से स्तरित रीति के अंतर्गत किया जाता है, तत्पश्चात प्रगणकों के द्वारा प्रतिदर्श लेने को कहा जाता है। इस तरह से यह देव निर्दर्शन पर आधारित ना होकर प्रगणकों की इच्छा पर निर्भर करता है, और यह जो है प्रगणकों की ईमानदारी योग्यता पर निर्भर करती है कि वह प्रतिदर्श का चुनाव पक्षपातपूर्ण किया है या नहीं किया है। फिर है गृह कार्य। भारत में जनगणना कार्य कौन करता है, जनगणना वर्ष प्रारंभ की किस वर्ष की गई थी, जनगणना की चार विशेषताएं बताइए, प्रतिचयन,
रीति की रीतियां बताइए और संगणना किसे कहते हैं, इसके गुण एवं दोष बताइए। फिर देव प्रतिचयन क्या है, देव प्रतिचयन के अनुसार प्रतिदर्श सुनने की रीतियां बताइए।